हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है संडे और मैं जा रहा हूं FRI देहरादून, और आज आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून की शान है। सबसे पहली चॉइस अगर किसी की होती है देहरादून में घूमने की, तो वो रहता है आपका FRI। पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कति मिठी बाणी छोड़े नि मिला गैनी, हाय हाय छोड़े नि मिला गैनी। पहाड़ों में हिमालया माधव तरौनी, देव देव बासगनी देव भूमि कानी, देव भूमि छोड़ी बेरा जाने नी लगैनी, जन्मभूमि छोड़ी बेरा जाने नी लगैनी, जाने नी लगैनी, हाय हाय। दोस्तों अभी हूँ मैं झाझरा, क्योंकि मैं सैलाकुई की तरफ से आ रहा हूँ, तो झाझरा सिद्धोवाला नंदा की चौकी प्रेम नगर, और उसके बाद आएगा आपका FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मौसम का मिजाज कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मौसम बदले जा रहा है, किसी टाइम धूप किसी टाइम छांव आ रही है। अभी हूँ दोस्तों सिद्धोवाला, यहाँ से लेफ्ट में जाएगा आपका BFIT के लिए, भाववाला के लिए, और ये मैं चौक पे पहुंच गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से राइट हैंड साइड में ये जाती है हमारा जिला कारागार, जो कि जेल रोड हम जिसको कहते हैं। देखिए उत्तराखंड में दो बहुत बड़ी जेल हैं, एक है आपका फुरसाड़ी में जो कि चमोली में है, दूसरा है देहरादून में जो कि आपका सिद्धोवाला में है। सिद्धोवाला पुल पार करने के बाद में आ जाता है आपका UTI उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, और इससे अगर हल्का सा हम आगे पे जाएंगे तो हमारा आएगा पॉलीटेक्निक कॉलेज। ये रहा दोस्तों गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक। तो दोस्तों अभी पहुंचा हूं मैं नंदा की चौकी, यह है दोस्तों उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, इसका बहुत बड़ा एरिया है जो मैं पीछे भी अभी वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा था। ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। सामने है दोस्तों प्रेम नगर, देहरादून की शान, स्टूडेंट्स हब, और दोस्तों प्रेमनगर चौक से पहले अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आई थिंक काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, सड़क पूरी गीली हो रखी है। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ प्रेमनगर चौक, ये रहा प्रेमनगर चौक, ये सामने जा रही है देहरादून के लिए, और ये राइट हैंड साइड में जाएगी आपका ठाकुरपुर श्यामपुर अम्बेवाला के लिए। ये रहा ऑटो स्टैंड, यहाँ से आपको घंटाघर परेड ग्राउंड के लिए ऑटो मिल जाएंगे। ये रेशम विभाग का यहाँ पे ऑफिस है। दोस्तों प्रेमनगर से क्लॉक टावर घंटाघर के लिए जैसे हम आते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरी बाउंड्री आ जाती है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी की। ये IMA की बाउंड्री है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये IMA की रेड लाइट है दोस्तों, जब भी यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स रोड क्रॉस करते हैं तो ये रेड लाइट पे रुकना होता है। ये रहा दोस्तों हमारा नेशनल फ्लैग, अभी बारिश की वजह से भीग गया है, अदरवाइज ये हवा में हर टाइम लहराता रहता है। ये हम आ गए हैं IMA चौक पे, ये IMA है दोस्तों जहाँ हर साल बहुत सारे सैन्य ऑफिसर्स यहाँ से पास आउट होते हैं, हमारी देश की सेवा के लिए वो यहाँ से अपनी
शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। दोस्तों मैं हूं अभी पंडितवाड़ी, जो कि FRI से 500 मीटर पहले आता है, और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया। दोस्तों अभी मैं सैलाकू से निकला था, वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, बीच में मैंने दिखाया भी था आपको, सिद्धोवाला के साइड में धूप लगी थी। बट आपको पता है देहरादून है, यहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। दोस्तों FRI पहुँचते ही आपको रोड के दोनों साइड छोटी छोटी दुकानें आपको दिख जाएंगी, जहाँ पे आपको छोले भटूरे, छोले चावल, राजमा चावल, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और दोस्तों बारिश के चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रहा इसका एंट्रेंस। तो दोस्तों मैं अंदर आ गया हूँ FRI के अंदर, और आप देखेंगे संडे है तो बहुत सारी भीड़ है आज, लोग अपनी फैमिली के साथ में अपने अपने ओन व्हीकल से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और दोस्तों जहाँ जहाँ भी नज़रें जा रही ना, हर किसी के हाथ में अपना कैमरा या अपना मोबाइल फ़ोन है, जो कि इसको शूट करने से पीछे नहीं हटेगा कोई भी, है ना। तो ये रहा दोस्तों FRI। देखिएगा दोस्तों लोग गाड़ियों से उतर ही रहे हैं, गाड़ियों की यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है, आप देखेंगे ये पार्किंग है। तो एक माता जी गाड़ी से उतरी हैं, शायद इनकी तबीयत खराब हो रही है। देखिएगा दोस्तों लोग अपने ग्रुप्स के साथ में यहाँ पे फोटोज सेल्फीज ले रहे हैं। ये रहा रिफ्रेशमेंट एरिया, जहाँ पे चाय कॉफ़ी आप पी सकते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितनी सारी भीड़ होगी, ये गाड़ियाँ आ ही रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। ओला उबर से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने ओन व्हीकल से आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये दोस्तों एंट्रेंस अंदर आते ही आपको दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ FRI के अंदर, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सन 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और सन 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसको डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और इस एरिया में दोस्तों जहाँ पे मैं अभी हूँ, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा इस एरिया को, सतिंदर सरताज जी के गाने आपने यहाँ पे देखे होंगे, तो शूटिंग्स वगैरह बहुत सारी चलती रहती हैं, हिंदी गाने, पंजाबी गाने, आपके बहुत सारे मूवीज, इनकी शूटिंग यहाँ पे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट होती रहती है। देखिए दोस्तों लोग फोटो शूट अपने DSLR कैमराज, मोबाइल फोन सब कुछ ऑन करके रखे हैं, कोई मूवीज बना रहा है, कोई फोटो शूट कर रहा है। दोस्तों मेरे पीछे एक म्यूजियम है जहाँ पे मैं जा रहा था, बट वहाँ पे चार्जेबल हेड और टिकट काउंटर पीछे है, मैं जाऊँगा टिकट लेके आता हूँ। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, वहाँ पे फोटो शूट करना मना है, वीडियोग्राफी करना मना है। तो चलिए बताता हूँ मैं वहाँ पे अंदर क्या क्या मैं देखता हूँ। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश बंद होने के बाद में मौसम खुल गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है FRI में, लोग अपनी फैमिली के साथ में संडे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो लोकेशन है दोस्तों, घंटाघर से आपका 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और प्रेमनगर से आपका 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपका आ जाता है।
बहुत ही बड़े एरिया में ये बना हुआ है दोस्तों। अगर इसके इसकी जो ये मेन बिल्डिंग है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये यूनानी शैली रोमन शैली में बनी हुई एक बिल्डिंग है। आप देखेंगे चारों तरफ जहां तक भी मैं कैमरा घुमा रहा हूं पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। इसके बाउंड्री वॉल से लगता हुआ इंडियन सैन्य अकेडमी IMA है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स तैयार होते हैं। और दोस्तों FRI में भारतीय वन सेवा के अधिकारी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग उनका प्रशिक्षण यहाँ पे किया जाता है। एक और चीज़ दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पे FRI के अंदर आपको एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा, एक आपको बहुत बड़ा म्यूजियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैंटीन की सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। दोस्तों सोमवार को छोड़ के आप हफ्ते में किसी भी दिन यहाँ पे आ सकते हैं, 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये खुला रहता है, जहाँ पे 10 रुपये आपका एंट्री फी आपको लगता है और आपके वाहन का आपको 20 से 30 रुपये आपको यहाँ पे करना होता है। इसकी लोकेशन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, घंटाघर से आपका 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और अगर बल्लूपुर चौक से आप आएंगे तो बल्लूपुर से आपका 3 से 4 किलोमीटर पे आपका FRI आपको आ जाता है। दोस्तों बात करूँ लोग यहाँ पे घूमने क्यों आते हैं, तो आप सबसे पहले मेरे पीछे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर म्यूजियम आप देखेंगे, ये हरे भरे घास के मैदान, खुला खुला मौसम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने के लिए अट्रैक्टिव करती हैं। यह संस्थान ना केवल अपने शोध कार्य के लिए बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, और इसकी अद्भुत वास्तुकला ही इसे देहरादून के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में इसको बनाती है। जहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्राउड यहाँ पे हमेशा ही रहता है। तो दोस्तों बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और आप देखेंगे सभी लोग यहाँ पे FRI कैंपस के अंदर आ गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये किस टाइप से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिखने में सिंपल ईंट हैं, लेकिन ईंटों से जो ये बनाया हुआ है बहुत ही उम्दा कलाकारी की हुई है। दोस्तों एक बार फिर से बारिश काफी तेज हो गई है, इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड करता हूं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।